पेट बड़ा हुआ है, जो पेट जिनका बहुत मोटा है उनको अगर कम करना हो तो ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल है, ये आप करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ये 7 एक्सरसाइज अलग अलग क्लिप्स में आएंगी। तो ये पहली है, बिल्कुल बिगनर्स, बिल्कुल जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, उनके लिए तो खास तौर पे बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो पहली है ऐसे घुटना मोड़ना है और ऐसे खींचना है। अगर नहीं खींच सकते तो कोई बैंड या कोई दुपट्टा लेके ऐसे खींच सकते हो, फिर बाकी उसको फिर ऐसे खींचना है, फिर ऐसे इसको आप 10 से 15 15 बार इसको करोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक, इसको 10 से 15 15 बार। दूसरी एक्सरसाइज है, तो तैयारी थी उसकी, दूसरी में ऐसे घुटना मोड़ना है, ऐसे ही सीधा कर दिया है, ऐसे हाथ ऐसे गर्दन के नीचे रखने हैं, लॉक करके रख सकते हो या वैसे एक हाथ तो दूसरा हाथ रखते हो, ऐसे पैर फोल्ड किया सीधा किया, फोल्ड किया सीधा किया, ये पहले की तैयारी चल रही है। ठीक, फिर आपने जैसे ये घुटना मोड़ा तो अपोजिट एल्बो उठा के टच करना है, कोहनी उल्टे हाथ की कोहनी उठा के टच करनी है, फिर वापिस आ जाए, फिर दूसरा पैर उठा ऐसे कोहनी, फिर वापस ऐसे राइट तब वो लेफ्ट कमी को टच करने की कोशिश करनी। अगर टच नहीं हो तो सिर्फ घुटना मोड़ना, हल्का सा ऊपर उठना, ध्यान रखो कि सर्वाइकल हो तो गर्दन थोड़ी नीचे रखना, फिर वापस आना, पूरा वापस आना नीचे, फिर वापस उठना। अब इसमें सांस का अगर ऐड कर सको तो जब ऊपर उठो तो सांस छोड़ना है, जैसे उठे सांस छोड़ दिया तो नीचे आए सांस ले लिया, फिर ऊपर उठे फिर सांस छोड़ दिया, नीचे आए सांस ले लिया, फिर उठे सांस छोड़ दिया फिर ले लिया, ऊपर उठे सांस छोड़ दिया फिर ले लिया, जब ऊपर उठो तो एक्सहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल, और इसके बाद 10 से 15 15 बार करने के बाद फिर से ये अर्ध पवन मुक्तासन कर लेना, 2 बार 3 बार, और फिर इसके बाद शवासन। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसकी रेपिटेशन जो है आप बढ़ा सकते हो। खास तौर पे बिगनर्स है वो ध्यान रखें, पहले अगर किसी का पेट ज़्यादा बड़ा हो, घुटना चेस्ट की तरफ नहीं आ रहा हो, तो कोई बेल्ट या दुपट्टा लेके घुटने को ऐसे पकड़ना है और फिर उसको पुल करना है और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 15 20 30 40। अगली एक्सरसाइज साफ करनी है तो सेकेंड सेकेंड वीडियो में देखना। थैंक यू।